पिछले एपिसोड में हमने स्टॉक स्प्लिट्स के बारे में इन डिटेल बात की और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पॉपुलर कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में जिसका नाम है बोनस इशू। काफी लोग बोनस इश्यूज को स्टॉक स्प्लिट से कंफ्यूज कर लेते हैं जिनकी बात हमने पिछले एपिसोड में की थी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्टॉक स्प्लिट्स की ही तरह बोनस इशू के केस में भी कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाते हैं। बोनस इशू के केस में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कंपनी में उनकी ओनरशिप स्टेक के अकॉर्डिंग फ्री एडिशनल शेयर्स दिए जाते हैं, लेकिन स्टॉक स्प्लिट के केस में एग्जिस्टिंग शेयर्स को ही मल्टीपल शेयर्स में ब्रेक किया जाता है। तो चलिए आज का बोनस इश्यूज पे ये डिटेल्ड एपिसोड शुरू करते हैं जहां हम जानेंगे कि कंपनीज बोनस शेयर्स क्यों देती हैं, इसका स्टॉक प्राइस पे क्या इम्पैक्ट आता है और बहुत कुछ। सबसे पहले हम बोनस इशू का बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। जैसा कि हमने अभी बताया कि बोनस इशू में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री एडिशनल शेयर्स ऑफर किए जाते हैं, तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। 17 जून 2021 को पावर ग्रिड ने 1:3 यानी कि 1/3 का बोनस इशू डिक्लेयर किया। इसका मतलब कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अपने खरीदे हुए हर 3 शेयर्स के लिए एक एडिशनल शेयर मिलेगा। यानी कि अगर किसी के पास बोनस इशू से पहले पावर ग्रिड के 30 शेयर्स थे तो बोनस इशू के बाद उनके पास 40 शेयर्स होंगे। स्टॉक स्प्लिट्स की ही तरह बोनस इशू भी डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, जैसे कि 1/1, 1/2, 2/1 या 5/2 एटसेट्रा। किसी भी बोनस इशू के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स रिकॉर्ड डेट तक होल्ड करने होंगे, यानी कि आपको एक्स बोनस डेट से पहले उस कंपनी के शेयर्स बाय करने पड़ेंगे। डिविडेंड्स के केस में जिस तरह रिकॉर्ड डेट और एक्स डिविडेंड डेट होती है, उसी तरह बोनस इशू के केस में भी रिकॉर्ड डेट और एक्स बोनस डेट होती है। पावर ग्रिड के केस में रिकॉर्ड डेट 30th जुलाई 2021 थी और एक्स बोनस डेट 29th जुलाई 2021 थी। इसका मतलब कि आपको पावर ग्रिड के शेयर्स 28 जुलाई तक बाय करने पड़ते ताकि 2 ट्रेडिंग डेज में यानी कि 30th जुलाई तक उनकी डिलीवरी आपके डीमैट अकाउंट में हो जाए। सो रिकॉर्ड डेट पे आपके पास पावर ग्रिड के शेयर्स होते और आप बोनस के लिए एलिजिबल होते। अब हम आपको ये बताएंगे कि बोनस इशू का एक कंपनी के स्टॉक प्राइस पे क्या इम्पैक्ट होता है। बोनस इशू में आपको अपने नंबर ऑफ शेयर्स के प्रोपोर्शन में फ्री एडिशनल शेयर्स मिलते हैं। फ्री शेयर्स किसे नहीं पसंद, लेकिन बोनस इशू के बाद कंपनी का स्टॉक प्राइस भी बोनस इशू के प्रोपोर्शन में ही रिड्यूस हो जाता है। यानी कि अगर एक कंपनी 1/1 का बोनस इशू डिक्लेयर करती है तो कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स डबल हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स डबल हो गए हैं तो उनका प्राइस बोनस इशू से पहले जो प्राइस था उसका हाफ हो जाएगा। इसलिए कंपनी का इफेक्टिव मार्केट कैपिटलाइजेशन चेंज नहीं होगा जो कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को प्राइस पर शेयर से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन हमेशा शेयर प्राइस एग्जैक्टली बोनस इशू के प्रोपोर्शन में रिड्यूस नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि सप्लाई और डिमांड की वजह से स्टॉक प्राइसेस में फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। पावर ग्रिड के केस में बोनस इशू से पहले कंपनी का शेयर प्राइस 228.1 रुपीज पर शेयर था और एक्स बोनस डेट के दिन कंपनी का शेयर प्राइस 167.4 रुपीज पर शेयर पे आ गया। एक्स बोनस डेट के दिन स्टॉक नए शेयर प्राइस पे ट्रेड करना शुरू होता है। अगर आप क्लोजली देखें तो नया शेयर प्राइस बोनस से पहले वाले प्राइस का ऑलमोस्ट 3/4 है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हर 3 शेयर्स के लिए एक एडिशनल शेयर इशू किया गया था। तो चलिए अब ये डिस्कस करते हैं कि कंपनीज बोनस इशू करती क्यों है। बोनस इशू एक तरीका है शेयर होल्डर्स को फ्री एडिशनल शेयर्स देकर रिवॉर्ड करने का, स्पेशली ऐसी कंपनीज के लिए जिनके पास ज्यादा कैश नहीं होता है, जिस वजह से वो कैश डिविडेंड्स इशू नहीं कर सकते। स्टॉक स्प्लिट्स की ही तरह कंपनीज बोनस शेयर्स इसलिए भी इशू करती हैं ताकि उनका स्टॉक प्राइस रिड्यूस हो जाए और अफोर्डेबल बनाया जा सके। एक और रीजन होता है लिक्विडिटी इंक्रीज करने का, क्योंकि बोनस इशू के बाद कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाते हैं तो उनकी लिक्विडिटी बढ़ जाती है। ज्यादा नंबर ऑफ स्टॉक्स का मार्केट में अवेलेबल होना उनकी बाइंग और सेलिंग और भी आसान बना देता है। स्टॉक स्प्लिट्स की ही तरह बोनस इशू भी एक बिजनेस के फंडामेंटल्स को अफेक्ट नहीं करता। एक ऐसी कंपनी जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है वो बोनस इशू के बाद अचानक कोई इम्प्रूवमेंट शो नहीं करेगी। सिमिलरली काफी टाइम से अच्छा बिजनेस करने वाली कंपनी सिर्फ इसलिए बुरा परफॉर्म नहीं करेगी क्योंकि उन्होंने बोनस शेयर्स इशू किए। लेकिन एज एन इन्वेस्टर
हमें ये बात जरूर पता होनी चाहिए कि कंपनी बोनस इश्यू के लिए क्यों जा रही है और उसका स्टॉक प्राइस पे क्या इम्पैक्ट होगा। हम आशा करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा और बोनस इशू के बारे में आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में जिसका नाम है राइट्स इशू। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।